के किसी इज नियर, कॉन्सेप्ट तो होना ही है क्लियर। बच्चों स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के वीडियो में। स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डेटर एंड क्रेडिटर। ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, लेकिन इसके पहले के कॉन्सेप्ट अगर छूट चुके हैं बच्चों, ऊपर देख रहे हो सजेशन में दिख रहा है आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, ना कि सिंगल वीडियो। ये प्लेलिस्ट देख लो भाई, हर एक वीडियो हर एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है और एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल है। स्टूडेंट्स बेसिकली दिस कंसेप्चुअल क्लियरिटी सीरीज इज डिजाइन फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट है भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप कॉमर्स से हो ना हो, इलेवेंथ का स्टार्ट किया है या फिर साइंस में से तो कॉमर्स में आए हो, जिस भी लेवल में हो आपके लिए डेफिनेटली ये कंसेप्ट काम के है। ठीक है, तो काम के कंसेप्ट है, तो काम करना है तो क्यों करें देरी, करते हैं इमिजिएटली स्टार्ट। यस, तो बच्चों डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये है आज के कंसेप्ट। अब पहले तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं। डेटर मतलब क्या? ओके, डेटर डेटर एक ऐसा पर्सन होता है, मींस अ पर्सन। ओके भाई, मेरी ड्राइंग्स तो आपने देखी ली होगी अब तक कि अपने ड्राइंग्स ऐसी ही है, ये बेस्ट वाली ड्राइंग्स है। डेटर अ पर्सन हु हैज टू पे, पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस। भाई Who has to pay to business? Business मतलब कौन? हम business है और हमें वो pay करने वाला है। Who has to pay to business for credit purchase of goods? Credit purchase of goods or services? मतलब हमने credit basis पे, credit basis क्या होता है बच्चों? इसके लिए previous episode देख लो, ट्रांजेक्शन वाला सेकंड कंसेप्ट वाला वीडियो है जिसमें मैंने कंसेप्ट के बारे में ट्रांजेक्शन में दिया है, कैश क्रेडिट क्या होता है, उधारी वाला ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर मैंने किसी कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, इसका मतलब क्या? गुड्स तो मैंने उसको दे दिए या फिर सर्विसेज तो उसको प्रोवाइड कर दी, लेकिन उससे मुझे पैसा लेना बाकी है। अगर आपको मराठी पता है भाई, मराठी में अगर किसी से पैसा लेना है तो बोलते हैं देतर। अरे भावा पैसे दे तर, अरे इसका इंग्लिश वर्जन है डेटर्स, DEBTORS। ठीक है, डेटर्स बोला जाता है नॉर्मली, मतलब मल्टीपल कस्टमर्स जिनसे हमें पैसे लेना है। ठीक है, सो डेटर्स एग्जैक्टली इसके अपोजिट है क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन। अरे यार यहाँ पे भी पर्सन आ गया, लेकिन भाई ये पर्सन स्माइली वाला नहीं है, ये पर्सन थोड़ा अपसेट वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमसे पैसे मांग रहा है। द पर्सन टू हुम To whom business has to pay money? To whom business has to pay? मतलब हमें पैसे देना है उसको, क्यों? For credit purchase of goods and services. Credit purchase of goods or services. मतलब हमने credit basis पे goods या services purchase किए हैं और उसके लिए हमें पैसा देना बाकी है, तो ये होता है creditors. ठीक है बच्चों, डेटर्स मतलब क्या? जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, और जिसको हमें पे करना है वो हमारा क्रेडिटर है। क्लियर? ओके, सो इन शॉर्ट अगर बताया जाए, डेटर मींस द पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस, ओज मनी, अरे ओज टू बिजनेस, और क्रेडिटर मतलब टू हुम, ऐसा पर्सन जिसको टू हुम बिजनेस ओज, OWES, ओज मतलब देना है, ओन्स नहीं बच्चों, एन नहीं यहाँ पे, ओज मतलब पे करना है। ओके, सो ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस पे करने वाला है, बिजनेस को पे करना है, ये होता है क्रेडिटर। ठीक है, ये शॉर्ट में आप याद रखने के लिए मीनिंग हो गया। नाउ बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इससे रिलेटेड बता देता हूँ। डेटर ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये एक पर्सन है, डेटर मतलब कस्टमर, मतलब एक पर्सन है ना भाई, कोई ना कोई। ओके, और क्रेडिटर ये भी एक पर्सन है, तो बीइंग अ पर्सन ये भी आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। ओके, अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेना है या देना है, तो डेटर्स ये हमारी एसेट है। एसेट क्यों? एसेट बोले तो प्रॉपर्टी बच्चों, अगर हमें किसी से भी पैसा लेना है तो वो हमारी एसेट होती है। ठीक है, और अगर किसी को पैसा पे करना है तो वो हमारी लायबिलिटी। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है बिकॉज बिजनेस ओज टू हिम, पैसा दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे याद आया, हाँ, डी फॉर डेटर्स,
डी फॉर डेटर्स एंड डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट। मतलब क्या था ये? अरे बच्चों, डेटर्स अकाउंट अगर ड्रॉ किया तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस आता है और क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है। इवन हमने ये लॉजिक ड्रॉइंग्स और कैपिटल में भी देखा था, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट का लॉजिक है स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट, जो कस्टमर होता है हमारा, कस्टमर हमारा डेटर होता है, ठीक है। मतलब हाँ, उससे पैसा लेना बाकी रहा तो ओके। और जो सप्लायर होता है, सप्लायर मतलब जिसने हमें सप्लाई किया, जिसको हमें पैसा पे करना बाकी है, तो ये होता है हमारा क्रेडिटर, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डेटर्स मतलब क्या? पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस, जिसे बिजनेस को पे करना है वो है डेटर। तो पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेस, तो वो हो गया क्रेडिटर, ठीक है। बच्चों इसका मतलब डेटर मतलब ओज टू बिजनेस और क्रेडिटर मतलब टू हुम बिजनेस ओज। नेक्स्ट, दोनों भी पर्सनल अकाउंट है लेकिन डेटर से पैसा लेना है इसलिए वो एसेट, और क्रेडिटर को पैसा देना इसलिए वो लायबिलिटी, ठीक है भाई। डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट, ठीक है। एंड लास्ट में डेटर्स मतलब हमारा कस्टमर होता है और क्रेडिटर मतलब सप्लायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, हम इसके पीछे भाग रहे, दे दे मेरा पैसा, दे दे मुझे पैसा चाहिए, तो समझ लो ये हमारा डेटर है, ठीक है। और अगर हम किसी से सप्लाई ले रहे हैं, देखो ये हमारी कंपनी है और हम बोल रहे हैं वी नीड योर हेल्प, मतलब हमें आपसे हेल्प चाहिए, मतलब ये हो गए क्रिएटर। और बच्चों सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही होना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है और हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक भी हमारे लिए क्रेडिटर हो गई। क्यों? बैंक भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हमें पैसा पे करना है। तो कोई भी पर्सन जिसको पैसा पे करना है वो होता है क्रेडिटर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो डियर। अगर सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को डियर, तो कॉमर्स में हो जाओगे। ऑल क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय एंड बाय बाय।